अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आप सबका आपके अपने चैनल जिसका नाम रूल्स ब्रेकर। और गाइस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी रिक्वेस्ट है जरूर बताते रहें। आज जो वीडियो लेके आया हूँ वो है लिविंग विदाउट इलेक्ट्रिसिटी फॉर 24 आवर रिमोरा ब्लॉग। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रिमोरा ब्लॉग मेरे फेवरेट हैं और इनको देखना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम लोग मिलकर देखेंगे आज ये ड्रामा, सॉरी ये ब्लॉग, क्योंकि मैं भी ड्रामे पर रिएक्शन देखे खाता हूँ। तो आए मिलकर देखते हैं ये ब्लॉग, फिर करेंगे इसके बारे में बात, स्टार्ट करते हैं अब। मनुष्य का जीवन सदियों से चलता आ रहा है और मानव जाति जानती है कि कब और कैसे विकास होना चाहिए, लेकिन बिजली की खोज सबसे बड़ी खोज रही है मानव जाति के द्वारा। पेट्रोल क्या होता अगर बिजली नहीं होती, तो क्या मनुष्य जी पाता? ये सब जानने के लिए चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली, बिजली मतलब करंट। सो फैमिली, आज जो हम करने जा रहे हैं, दिस इज द मोस्ट, यानी कि मोस्ट डिमांडेड चैलेंज, यानी कि आपने कमेंट बॉक्स में इससे भरी दिया था, तो हमने बोला अगर दो महीनों से, हाँ दो महीनों से, yes. अगर भरी दिया है तो फिर चैलेंज के बारे में एक्सप्लेन क्यों ना किया जाए। यस यस, एक्सप्लेन करो 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 मैं कट्टा जाएगा। हमें नहीं करना है इस्तेमाल बिजली का, ना ही फोन का और ना ही मेन पावर का। मैं नहीं बंद करूंगी। और अगर फैमिली हमने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक किसी भी चीज का क्या हुआ वापस ब्लो पर और अगर फैमिली हमने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज का भी इस्तेमाल किया तो ये वीडियो वहीं खत्म हो जाएगी। yes. तो हम शुरू करते हैं हमारा लिविंग विदाउट इलेक्ट्रिसिटी स्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर 24 आवर्स। जब तक मटकावे मेरा सांस ले जावे, स्नैप चैट उठ सारे फिल्टर लावे 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 अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग घर पे क्यों हैं, कहीं जा क्यों नहीं रहे। गाइस जा इसलिए नहीं सकते क्योंकि गाड़ी में पड़ता है तेल के लिए लगते हैं पैसे, पैसे के लिए हमारे पास है सिर्फ कार्ड और कार्ड को स्वाइप करने के लिए लगेगी इलेक्ट्रिसिटी। आप बस देखना मैं क्या कर रही हूँ। आप कहोगे कि दीक्षा जितना दिमाग किसी में नहीं है, दीक्षा जितना दिमाग किसी में नहीं है। संतरा देख रहे हो? हाँ। रेडी? हाँ। आंखें बंद करो पहले। हाँ। खोलो। हाँ। वाओ, इसने संतरा नंगा कर दिया। गाइस आपको पता है कितने बिलियन लोगों के पास आज भी इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं है? नहीं है। और वो अपनी जिंदगी कैसे बिताते हैं? आई एम वेरी, तो वो कैसे अपनी जिंदगी बिताते हैं आज हमें उनमें से वन ऑफ द रीजन ये मिलेगा कि कैसे ये सब होता है। और मामे सुसु कर रहा हूँ यार, लिख रही है मम्मा चाय भेज दो। गाइस पेपर वेस्ट कर रही है यार। मैं पेपर वेस्ट नहीं कर रही, ये इम्पोर्टेंट है, मैं भूखी मर जाऊंगी। फिट हो गया? नहीं मैं मर जाऊं। तूने इस पे लिख के भेजा कि मम्मी चाय भेज दो, राइट? तो तू मम्मी को वैसे ही आवाज मार के बोल देती मम्मी चाय भेज दो। दिमाग नहीं आ रहा कुछ। बताओ ये इसका दिमाग है फैमिली। देखो मैंने कितना क्यूट सा बनाया यार, आप मेरी हिट लाइक तो करो प्लीज। सच्ची थोड़ा नहीं, मैं रो दूंगी यार। डोडिये क्या कर रहे हो आप? हाथ ऊपर के खड़ा हो। हाँ हाथ ऊपर करके खड़ा हो यार। हाँ ऐसे ऐसे खड़ा हो। ओए गिर मत जाइए, ओए ऐसा कर लूं। हाँ ठीक है। कला का कोई वक्त नहीं होता, अब बिजली इस्तेमाल कर नहीं सकते। ओ चिंती बनाई हो लोकी ने। ओके तो अब हम संजय की बनाएंगे पेंटिंग। रेडी? गिर मत, पहले फोटो खींचनी। यार डूड लोकी देख रहे, आगे से आंटी देख रही हो, एक गली में ना आंटी पता घर से बाहर निकली और रोड पे आके देख रहे मेरे को। गिर मत बोल रहा हूँ ना। गाइस आप एंजॉय करें टाइम लैप्स, मैं तब तक थोड़ी सी पेंटिंग बनाता हूँ। डोड़िया में थक गया अभी यार,
कितना टाइम है? ऑलमोस्ट डन। बन गया। फैमिली आप भी क्या याद रखेंगे, री ने अपने हाथों से बनाई ये कला, ये कला सिर्फ कला केंद्र में ही काम आएगी। रेडी? यस। 3, 2, 1। गाइस मैंने 25 मिनट ऐसे हाथ करके ले, क्या था ये बताओ? नहीं क्या था, क्या ये क्या है? 25 मिनट तक इसको खड़ा कर रखा। एक्चुअली हमें इसने हम मैंने इसको पनिशमेंट दी थी। तेरी पनिशमेंट दी मुझको? दी मैंने इसको पनिशमेंट इसलिए दी थी, नहीं नहीं मैंने इसको पनिशमेंट दी। गाइस स्किल डोंट से बम बम स्किल डोंट से बम सवाल है मेरे पास। जैसे जैसे रात हो रही है यार, डोर दिख नहीं रही मेरे को, क्या करें? डोर दिख नहीं रही? नहीं यार, तो इस पे ट्रैकर लगाना पड़ेगा। ट्रैकर? या द डोर ट्रैकर। डोर ट्रैकर भी होता है? हाँ, तो फैमिली हिट लाइक करे इस डोर ट्रैकर के लिए। रेडी? तो गाइस हम लोग तैयार है हमारे डोर ट्रैकर के साथ। उसके लिए आपको चाहिए एक लिफाफा, मतलब चिप्स का या कोई भी हो, ठीक है? और दूसरा आपको चाहिए ये चिमटी जिसके साथ आप कपड़े सुखाते हैं। तो कैसे डॉट को ट्रैक करते हैं? यहाँ पे इसको ऐसे लगाओ, ठीक है? आलो छोड़ ही रहा हूँ। जाने दे। जाने डॉट। जाने दे। जाने दे। जान दे। और इस तरीके से फैमिली आपको पता चलेगा कि आपकी डोर किस लेवल तक, हवा के किस रुख तक जा रही है। जान दे। अच्छा था ये, अच्छा था। So guys, मैं आप सोच रहे होंगे मेरा पतंग गया कहाँ? मैंने अपने पतंग को ऑटो पायलट लगा दिया। आओ, संजय का पतंग ऑटो पायलट पे पीछे लग गया है। और हम क्योंकि और कुछ करने के लिए है नहीं, फोन यूज कर नहीं सकते, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो फिर हमने सोचा क्यों ना शूज को पेंट किया जाए। Yes. जिसका सबसे अच्छा पेंट होगा आपको कमेंट करके बताना है, वो वाला जो जीता उसके सर पे मारना है। अभी तक मेरा सिर्फ कलर क्रिएट हो रहा है क्योंकि ये लोग बहुत ही नॉर्मल से बना रहे हैं। मैं थोड़ा डिफरेंट करूंगी, यू नो आई एम गोइंग फॉर सम पेस्टल कलर्स। सो फैमिली सबसे जरूरी बात ये होती है कि व्हेन यू आर नॉट यूजिंग योर फोन, व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिसिटी, यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू। सो इट्स बेटर टू यूटिलाइज दैट काइंड ऑफ अ टाइम टू समवेयर एल्स वेयर दैट थिंग मे यूटिलाइज योर टाइम एंड समटाइम्स इट मेक्स यू फील गुड। क्या इंग्लिश बोलती? बोलोगे मेक्स यू फील वल्नरेबल। संजय। So guys, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अपने द गुची द स्नेक द शू। नहीं द शू, शू नहीं नहीं नहीं, द गुची द स्नेक द शू। द गुची द स्नेक द शू, ओनली द गुची द स्नेक द शू। यस, डिजाइन गाइस सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके पास दिमाग ना हो, जो पेपर में एवरी टाइम फेल हुए, इसे वो लोग कर सकते हैं। मतलब समझ आता है, फेल हुआ है। तूने अपनी 10वीं का तो जवाब दिया नहीं। आपको ये बताना है कि आपके 10th क्लास में कितने नंबर आए थे? मैडम बताइए, मैडम प्लीज बताइए। मैम आप सच में 10th पढ़ी हुई हैं? ये सवाल कौन लेके आया? गाइस मैं पास हुई हूँ अच्छे नंबरों से। कितने नंबर बता? 35%। नहीं, ज्यादा ऐसी यार, इट्स एक्चुअली आई लाइक पहनने कहाँ से गटर? गटर नहीं ब्रो। अच्छा एक मिनट गाइस, ज़ारा में ना ऐसे शू दिख जाए ना, डूड को डूड भाग के जाएंगे लेने के लिए। तो ज़ारा में दिखे तो नहीं ना मुझे? फैमिली मेरी शूज की क्रिएटिविटी ये है, उसकी लाइक थॉट बिहाइंड ये है कि दुनिया में कितने रंग है लेकिन आपके अंदर 4 रंग ही है। तो मैंने तारे जमीन पर लाने की कोशिश की है, तो ये देखे तारे। सो ये रहे मेरे शूज। नाइस वर्क। ये रहे मेरे शूज। मेरा मेन मुद्दा ये था कि इसको ज्यादा फैलाओ मत। कंपटीशन छोड़ो, मैंने अपनी खुशी के लिए पेंट किया है। ये क्या? और देखो फैमिली, ये देखो रेड कर दिया मैंने, ये गुची बन गया। ओके ऋषि भाई। सो फैमिली हमें चैलेंज करते हुए ऑलमोस्ट रात होने वाली है और हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, क्योंकि आपने कहा था इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ नहीं करने, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होती है इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी तो इस्तेमाल करनी नहीं है, तो फिर करना क्या है? अब आपको शक्ल तो दिख नहीं रही होंगी, अब आपकी डिमांडें भी ऐसी हैं तो हमें पूरी भी करनी पड़ती है। डूड हाँ, हम करंट लिविंग विदाउट इलेक्ट्रिसिटी फॉर 24 आवर्स, राइट? यस, ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक। या बट आपने एक चीज सोची, हम पूरे टाइम से चीटिंग कर रहे हैं। कैमरा क्या कर रहे हैं? चीटिंग कैमरा। कैसे? हमारा जो कैमरा है वो भी तो इलेक्ट्रॉनिक है।
पापा बिजली इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, आपको पता है कितने कितने लोगों के पास आज भी बिजली नहीं है और कितने लोग बिना बिजली के सर्वाइव करते हैं। बिजली का वेस्टेज करना लानत है। बदतमीजो, जब मैं तुम लोगों को इतने सालों से बोला था काम करो, पंखा बंद करो, फालतू मत चलाओ, तब सेव इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही बात की। लेकिन भाई आज के टाइम पे सेव इलेक्ट्रिसिटी कैसे, दो लाइटें इधर लगी हैं, एक ऊपर लगी है, ठीक है, पंखा लगा है, एसी लगा है, कैमरा यूज़ हो रहा है, मोबाइल यूज़ हो रहा है, लैपटॉप यूज़ हो रहा है। अभी इस वक्त मैं कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता। दो लाइटें, ठीक है, तीन चार, पंखा तो बंद है अभी, ठीक है, एसी भी बंद है, मोबाइल कैमरा लैपटॉप और क्या क्या, कहाँ से सेव होगी इलेक्ट्रिसिटी। ओके चलो कोई बात नहीं, चैलेंज की बात किया, चैलेंज अच्छा था लेकिन हार्ड था। मैं शुरू से मैं वही बोल रहा था, मैं दो बार वीडियो में बोल भी चुका हूँ कि कैमरा तो इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें कैसे यूज़ कर रहे हैं, ये तो फिर सारी बातें चीटिंग होगी ना, तो सीधी बात ही है। लेकिन वो चलो उनको लास्ट में हो गया। लेकिन लिविंग 24 आवर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि मतलब आप कुछ भी नहीं यूज़ करोगे, कैमरे के बाद निकाल दो बीच में, एक हार्ड टाइम होता है, बहुत ही मुश्किल। मोबाइल के बगैर आजकल रहना ही बड़ा मुश्किल है, तो आप तो पूरा टाइम ही आपने निकाल दिया इलेक्ट्रिसिटी के बगैर। लेकिन दो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लगी इसमें, एक थी वो जो डोर पतंग उड़ा रहे थे, डोर ट्रैक करने का, डोर ट्रैकर, ओके, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन यार आपने चुमटियाँ लगा दी कपड़ों वाली, तो छितर भी पड़ रही आंटी से, याद है। लेकिन शूज़ की बात करें, शूज़ मुझे री के बहुत अच्छे लगे, संजय के तो मुझे ऐसे शूज़ पसंद भी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा दीक्षा ने गुची बनाया, वो भी मुझे पसंद है। हाँ, ऋषि भाई ने शूज़ बहुत अच्छे किए, तो चूज़ द विनर इस मीन ऋषि भाई। बाकी वीडियो अच्छी थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है मोर ब्लॉग की वीडियोस की, तो मैं कोशिश करूँ कि मैं रेगुलर इस पर रिएक्शन दूँ। हमारे यहाँ पे लॉकडाउन लग रहा है रात को, तो मोस्टली मेरे पास टाइम नहीं होगा वीडियो बनाने का, लेकिन कोशिश करूँगा कि बना पाऊँ जितनी भी बना सकता हूँ। बाकी मिलूंगा आपसे अपने अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिए। दुआ में जरूर याद रखिए।